अंकिता को मारने वाले पकड़े गए। अंकिता की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो शाहरुख के साथ रिलेशन में थी। हालांकि अंकिता के परिवार वाले इस बात से साफ मना कर रहे हैं कि अंकिता और शाहरुख के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। क्या है सच्चाई आज की इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में #justiceforankita जरूर लिखिएगा ताकि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों, अंकिता झारखंड के दुमका जिला की रहने वाली थी। शाहरुख हुसैन नाम का एक शख्स है जिसको अंकिता से एक तरफा प्यार हो गया था, जिसके बाद शाहरुख ने अंकिता से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद अंकिता ने मना कर दिया तो शाहरुख गुस्से में आकर अपने दोस्तों के साथ अंकिता को जिंदा जला डाला। लेकिन दोस्तों, अंकिता और शाहरुख का एक फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों अंकिता और शाहरुख ही है। लेकिन दोस्तों, अंकिता के परिवार के एक सदस्य विकास कुमार का यह कहना है कि इस फोटो में अंकिता और शाहरुख ही देख रहे हैं, लेकिन ये फोटो रियल फोटो नहीं है, इसको फोटोशॉप किया गया है, क्योंकि अंकिता और शाहरुख के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं था। दोस्तों, आरोपी शाहरुख ने इस प्लान को कैसे अंजाम दिया, चलिए आपको बताते हैं। 23 अगस्त को सुबह 4 बजे का समय था। शाहरुख और उसके दोस्त मिलकर जड़ुआ डी मोहल्ले पहुंचे, जहां अंकिता अपने घर में सो रही थी। शाहरुख ने अंकिता की खिड़की खोल दिया। खिड़की खोलने के बाद उनके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया। हालांकि अंकिता काफी ज्यादा नींद में थी, जिसके चलते उनको पता नहीं चल पाया। पेट्रोल फेंकने के बाद उनके ऊपर आग लगा दिया, जिसके बाद अंकिता जलने लगी। अंकिता का हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसके बाद अंकिता को दुमके जिले के ही एक हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जा रहा था। हालांकि उसके बाद वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। और उस हॉस्पिटल में अंकिता 4 दिनों तक सर्वाइव कर पाई। 5वें दिन वो हिम्मत हार गई और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, अंकिता के साथ जो हुआ उसको लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और उनका मांग यही है कि शाहरुख और उसके दोस्तों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए।